छाता में गौ तस्कर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। थाना छाता कोतवाली के अंतर्गत रात्रि करीब 2:30 बजे छाता पुलिस द्वारा नेशनल हाईवे 2 पर केड़ी चौकी के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तभी छाता पुलिस को एक मैक्स पिकअप गाड़ी आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी और दिल्ली की तरफ भागने लगे। छाता पुलिस ने वायरलेस पर सूचना दी और गाड़ी को घेरने की कोशिश की, तभी क्रीम बेल के सामने नेशनल हाईवे 2 पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें से एक का नाम राहुल और दूसरे व्यक्ति का नाम महेंद्र बताया जा रहा है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गौ तस्कर की गोली लगने से मौत हो गई और 2 व्यक्ति घायल हो गए और 2 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 2 व्यक्ति भागने में सफल रहे। मैक्स पिकअप में गाय भरी हुई थी और सभी गाय गौ तस्करी के लिए ले जाए जा रही थी। सभी गोवंश को पुलिस ने गौ तस्करों से मुक्त करा या और छाता की कान्हा पशु आश्रय गौशाला में छुड़वा दिया, जिनमें से एक नंदी की मौत हो गई। नंदी की गौ रक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने समाधि दी। पुलिस ने घायलों को केडी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना पाकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा और आगरा IGA सतीश गणेश ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया और केडी अस्पताल में भर्ती पुलिस कर्मियों के अलावा घायल बदमाशों को भी देखा। छाता से संतोष कुमार की रिपोर्ट। ये जो मुठभेड़ हुई है, देखिए ऐसा है कि कल रात्रि में हम लोगों ने नाकाबंदी करी थी और इस प्रकार की सूचना थी कि कुछ जो क्रिमिनल्स हैं हरियाणा साइड के, वो लोग यहाँ पे किसी प्रकार की कोई घटना कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि केडी डेंटल के कॉलेज के पास में जो हमारा नाकाबंदी की कार्रवाई चल रही थी, वहाँ पर कुछ बदमाशों ने, क्योंकि सफ़ेद बोलेरो पे सवार थे, उन्होंने नाका को तोड़ा और तोड़ने के बाद वो कोसी की तरफ बहुत तेज़ गति से भागे और वो फायर भी कर रहे थे। इस पर घेराबंदी की गई और घेराबंदी करने पर जब उनको किसी तरीके से भागने का रास्ता नहीं बचा था तो गाड़ी एक जगह उनकी फंस गई हाईवे पर और वहाँ से वो उतर कर पुलिस पर फायर करने लगे। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करी जिसमें 3 बदमाश इनिशियली उनको चोटें आई। उनके इलाज के लिए जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर इलाज के दौरान एक जो बदमाश थे उसकी मृत्यु हुई है। 2 बदमाश अभी उपचाररत हैं। 2 बदमाश इसमें पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे अभी पूछताछ की कार्रवाई चल रही है और अंधेरे का लाभ उठाकर 2 बदमाश भागने में सफल हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो मथुरा पुलिस का ये कार्रवाई रही है वो बहुत ही उत्कृष्ट रही है और ये जो अभियान है इसी प्रकार से आगे भी जारी रहेगा। सर, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं? जी, कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, उनका भी इलाज हो रहा है। जिलाधिकारी से बात कर ली गई है, SSP साहब और जिलाधिकारी उन प्रयास करेंगे कि साहब की उनका इलाज समुचित तरीके से हो। और दूसरा ये है कि जो आगे की विधिक कार्रवाई है, PM जो करवाना हमें वो, और जो बाकी विवेचना से रिलेटेड NHRC की जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत हम लोग आगे कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे।